नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों, मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। किसान भाइयों, जैसा कि हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में कहा था कि हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डोरमेंसी टू हार्वेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस सीरीज में हम बात करेंगे डोरमेंसी आने से फ्रूट की हार्वेस्टिंग तक हमें किन किन प्रयत्न करना चाहिए, यानी कि हमें क्या क्या स्प्रे करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि हमें अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग मिल सके। इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन एक प्रॉपर सीरीज़ में। इसी सीरीज़ में ये पार्ट टू वीडियो है जिसके माध्यम से हम आपको आज को बताना चाहेंगे कि जो नवंबर के प्रथम सप्ताह में हमें किन किन चीज़ों की ड्रेंचिंग और किन किन चीज़ों का स्प्रे कर लेना है। दोस्तों, 1 से 7 तारीख यानी कि 1 से 7 नवंबर के भीतर आपको किन किन जरूरी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, इन सारी चीज़ों का विश्लेषण होगा आज के इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि जो भी किसान भाई हमसे नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि यही लाइक हमें आपके लिए लगातार काम करने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ना देरी करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रेंचिंग की, कि दोस्तों आपको इस सप्ताह में किन किन चीज़ों का ड्रेंचिंग करना है और क्यों करना है। देखिए दोस्तों, हमें चाहिए व्हाइट रूट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कुछ जो व्हाइट रूट्स आपको निकले हुए दिख रहे होंगे, दोस्तों ये MM111 रूट स्टॉक पर है और ये एना एप्पल वैरायटी है। दोस्तों, इसमें ये व्हाइट रूट्स निकल रहे हैं, लेकिन हमें ये बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, ठीक है। नए व्हाइट रूट्स की दरकार या नए व्हाइट रूट्स क्यों चाहिए हमें, इसका मुख्य कारण ये है कि दोस्तों, ये जो व्हाइट रूट्स हैं इन्हीं को फीडिंग रूट्स भी कहा जाता है, यानी कि पौधे को जो भी न्यूट्रिएंट्स जरूरत होते हैं ये व्हाइट रूट्स ही पौधे को प्रदान करते हैं। तो जितने अधिक हमारे पास ये व्हाइट रूट्स रहेंगे, उतने ही हम जो हमारा पौधा है फीडिंग यानी कि जो पौधे को खाना है पहुँचाने में पौधे को मदद मिलती है। साधारणतः रूट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टैप रूट और एक होता है फीडिंग रूट्स। दोस्तों, टैप रूट पौधे को खड़ा रखने में मदद करता है, जबकि फीडिंग रूट्स पौधे को जो न्यूट्रिशन है उसको पौधे तक पहुंचाने में मदद करता है। तो दोस्तों, हमें चाहिए फीडिंग रूट्स। तो फीडिंग रूट्स तब निकलेंगे जब हमारे जो पौधे हैं उसमें हम डालेंगे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। दोस्तों, अच्छी रूट की ग्रोथ के लिए हम M45 का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी हम M45 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और उसी की ड्रेंचिंग करना है हमें, ठीक है। और M45 का क्यों नहीं यूज़ करना है, तो दोस्तों अगर हम इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे तो वीडियो काफ़ी अलग डायरेक्शन में जा सकता है और काफ़ी बड़ा बन सकता है। तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम फोकस उसी पर करते हैं, ठीक है। तो हमें इस्तेमाल करना है ब्लू कॉपर यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को इस्तेमाल करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले तो हम डालते थे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, लेकिन अब हम इस्तेमाल करेंगे इसका 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और हर एक पौधे पर कम से कम 1 से 2 लीटर जो इसका मिश्रित घोल है इसको हमें डालना है। अच्छे से इसका घोल बना लेने के बाद इसमें हम सिर्फ पानी डाल रहे हैं और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, बाकी कोई चीज़ नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप जब भी इसका घोल को डालें उस समय इस बात का ध्यान रखें कि जो घोल है आपका कम से कम जो है 1 से 1.5 फीट के रेडियस में गिरना चाहिए। अगर आप ड्रिप से दे रहे हैं तो इसमें कोई खास इशू नहीं है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट बाल्टी से पानी दे रहे हैं तो आपको धीरे धीरे करके पानी देना है। ऐसा नहीं कि पानी आप तुरंत स्पीड से डाल दें और पानी कहीं और डायरेक्शन में निकल जाए। आपको ध्यान रखना है कि जो ये पानी है प्रॉपर उसके जो जहाँ से जो मेन सेंट्रल लीडर है बिल्कुल उसी के अंदर से बिल्कुल आपको डालना है, जैसा कि हमने आपको डाल के दिखाया है। और पानी को धीरे धीरे डालना है, पानी धीरे धीरे। देखिए दोस्तों, हमने किस प्रकार से जो हमारा सॉयल मैनेजमेंट किया है, ये प्रॉपर ड्रेन काफ़ी अच्छी ड्रेन हो जाता है पानी, तुरंत डालने के बाद पानी अंदर चल जाता है। तो आपको इस प्रकार रूट के बिल्कुल सामने से डालना है ना। ये तो हो गया बात ड्रेंचिंग की। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आपको किन किन चीज़ों का स्प्रे करना है। दोस्तों, आपको स्प्रे करने के लिए लेना है क्लोरोपाइरीफॉस। दोस्तों, ये एक कीटनाशक है और इस कीटनाशक का इस्तेमाल करने का हमारा खास मकसद है कि जब हमारी फ्लावरिंग हो जाएगी तब हमें कोई भी कीटनाशक का इस्तेमाल करना नहीं होता है, इसलिए हम आपको इसको प्रिवेंटिव तरह से अभी यूज़ कर लेंगे, ताकि इसमें जब सिल्वर टिप आए यानी कि जब इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, जब आपको हरी हरी ग्रोथ दिखने स्टार्ट हो जाएगी डोरमेंसी के बाद, उस समय हम किसी प्रकार का कीटनाशक का प्रयोग नहीं करेंगे। हम इसका इस्तेमाल अभी कर लेंगे ताकि इसमें जो भी हमारे पेड़ पौधों में कीटनाशक कीट वगैरह का अटैक हो रहा है तो वो खत्म हो जाए। दोस्तों, इसका प्रयोग हम अकेले ना करके इसके साथ हम यूज़ करेंगे बाविस्टिन। दोस्तों, बाविस्टिन एक कंपनी का नाम है, जबकि इसमें जो मेन कंटेंट है वो है कार्बन डिजिम
और मैंकोजेब। दोस्तों ये सिस्टमैटिक फंगिसाइड्स होते हैं, इसका खास प्रयोग हम करते हैं अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट ब्लाइट इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए अपने क्रॉप्स को। तो दोस्तों इसका प्रयोग हम पहले से ही कर रहे हैं ताकि हमें आने वाले समय में जब हमारी फ्लावरिंग आएगी तो हमें इन सब चीज़ों की जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, वो नहीं आनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है क्या होता है सिस्टमैटिक फंगिसाइड, क्या होता है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए हमने एक वीडियो बना दी है। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम जो भी चीज़ें को इस्तेमाल कर रहे हैं इन सारी चीज़ों का जो लिंक है अमेज़न का लिंक हम आपको सेंड कर देंगे, आप उस लिंक के थ्रू डायरेक्ट जा करके परचेज़ कर सकते हैं इन सारे प्रोडक्ट्स को। दोस्तों क्लोरोपाइरीफॉस और बाविस्टिन फंगिसाइड का इस्तेमाल आपको फॉलियर स्प्रे करना है, ड्रेंचिंग आपको नहीं करना है, आपको दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं डोसेज की। अगर हम डोसेज की बात करें तो जो ये बाविस्टिन फंगिसाइड है इसका रहेगा 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और आपका जो क्लोरोपाइरीफॉस रहेगा ये 1 से 1.5 ml/L ऑफ वाटर के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। और बाविस्टिन और क्लोरोपाइरीफॉस इसका आपको स्प्रे करना है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आपको ड्रेंचिंग करना है। तो आशा करते हैं कि आपको इन सभी चीज़ों को समझ में आ चुका हो कि क्या कैसे करना है, और इन सारे काम को आपको करना है नवंबर के प्रथम सप्ताह में। दोस्तों अभी हमको और अलग से पानी नहीं देना है क्योंकि हम जो हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के माध्यम से ड्रेंचिंग कर दिए हैं, तो इससे पौधे को तो पानी वैसे ही मिल चुका है। तो अभी आने वाले दिनों में क्या करना है इसकी भी जानकारी हम आपको आगे के आने वाले वीडियो में देंगे और इसी सीरीज़ के माध्यम से दिया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका यही लाइक हमको इसी तरीके से आपके लिए काम करने में बहुत अधिक मदद करेगा और इस पूरे सीरीज़ को कंप्लीट करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर अन्य इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।